हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विसेज का प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा को पहले ही प्रयास पे क्रैक कर सकते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम है शैलेश ठाकुर। आई अपियर्ड फॉर MPPSC इंटरव्यूज फॉर 4 times, 2014, 2016, 2017 एंड 2018। I got selected as railway goods guard in railway exams in 2015. I scored 176 out of 198 in GS paper 1 in MPPSC pre 2019. And I am teaching for MPPSC pre and mains since June 2016. मैं पिछले 4 सालों से MPPSC के लिए पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जो भी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ये टोटली बेस्ड है मेरे पिछले 5-6 साल के एग्जाम के एक्सपीरियंसेस पे और पिछले 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंसेस। इस दौरान मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो जब पहली बार तैयारी करते हैं तो उनके दिमाग में ये बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि वो कैसे पढ़ें, कैसे ऐसे अपने स्टडी प्लान को शेड्यूल करें, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें जिससे कि वो पहले ही प्रयास में MPPSC के प्री को निकाल पाएं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले ही प्रयास में प्री को क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन में कुछ गलतियां करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 1-2 बार से अपने आप को प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं परंतु उन्हें अच्छी सफलताएं नहीं मिल पाई। वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम आने वाला प्री को हम इसे क्रैक कर पाए। बहुत से लोग यहां तक कह देते हैं कि प्री इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, पर यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी में वर्क करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अपने स्टडी प्लान को वेल प्लान करते हैं, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर ये पता है तो आप भी MPPSC प्रीलिम्स को एक ही प्रयास पे क्रैक कर सकते हैं, वो भी विथ अ वेरी गुड स्कोर। ओके, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी MPPSC और व्यापम के लिए डेडिकेटेड लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स करके एक चैनल चलाता है, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें कि आप घर बैठे अपने घर पे ही रहते हुए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हैं। इस पे अनअकैडमी के द्वारा कोशिश की जाती है, ये एंश्योर किया जाता है कि कंप्रेहेंसिव वे में, स्ट्रेटेजिक वे में आपको पूरा की पूरा सिलेबस कवर कराया जाए। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आपकी दोनों मीडियम में बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। लाइव क्विजेस, लाइव टेस्ट के द्वारा आपका एवेल्युएशन कराया जाता है और ये सब आपको एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे मिलता है। इसके लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं या अपने मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए अनअकैडमी के द्वारा MPPSC और व्यापम के लिए कुछ प्लान्स सब्सक्राइब करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसे आप अपनी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, अपने टाइम की फिजिबिलिटी, अपने एग्जाम ड्यूरेशन, अपनी प्रिपरेशन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान्स को परचेस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड है ST01, इसे यूज करके अगर आप इन प्लान को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। हाँ दोस्तों, अगर आप ST01, जो मेरा कोड है, रेफरल कोड है, प्रोमो कोड है, इसे आप अगर यूज करते हैं तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिलता है, ठीक है। और आपको अनअकैडमी के द्वारा नो कॉस्ट EMI की फैसिलिटीज भी दी जाती है, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के प्लान्स में, जिससे कि आप इजीली, इकोनॉमिकली फिजिबली अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा प्री का स्कोर कार्ड है 2019 का, जिसमें मैंने GS पेपर 1 में 176 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 198। दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका प्रीलिम्स का स्कोर अच्छा होता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि आपके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती है कि कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे मैं बाउंड्री में तो हूँ कि नहीं हूँ, मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि भी नहीं होगा। फिर आप बहुत से लोगों से कट ऑफ डिस्कस करते हैं, इसमें आपका जो प्रीशियस टाइम है जिसमें आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो खराब होता है, ठीक है। तो अगर आप प्री में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप अनडाउटेडली बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी भटकाव के सीधे मेंस की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और मेंस को अच्छा प्रिपेयर करके, अच्छा स्कोर करके अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू क्रैक MPPSC प्रीलिम्स स्टेट सर्विसेज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ आपको क्या करना चाहिए, आपको किस चीज़ों की जरूरत है, मैं यहाँ आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
एक बात और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी भी मिलेगी, कैसे पढ़ना है वो भी मिलेगा, उसके क्या फायदे हैं वो भी पता लगेगा, और साथ साथ क्या करना है इसके साथ साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपकी स्टडीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्या आपको अपने सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे हम। प्री के एग्जाम के पैटर्न पर भी बात करेंगे कि प्री फैक्ट बेस है, हम फैक्ट कैसे याद करें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फैक्ट याद नहीं होते तो वो कैसे प्रिपेयर करें, और कहां आप गलती कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आप इवैल्यूएट कर पाएंगे, और आशा करता हूं कि उस वीकनेस को खत्म करके आप आने वाले प्री में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप पहले ही प्रयास में या आने वाले प्रयास में प्री को क्रैक कर पाएंगे और अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। सबसे पहली चीज आपको जो करना है वो करना है टू क्रिएट या टू मेक अ स्ट्रेटेजी। क्या करना है आपको, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत फेमस कोट है, आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, बट मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, अ विजन विदाउट स्ट्रेटेजी इज एन इल्यूजन। मतलब कि जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है आप अपने विजन या अपने टारगेट को अचीव करने में हमेशा भटकते रहेंगे। इसीलिए आपको जिस टारगेट तक जाना है उस टारगेट के लिए आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि हम एक पर्पसफुल इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्म करें। देखिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या कोई भी चीज प्लान करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं। अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना है और आपको कहाँ जाना है ये पता है, और आपको ये पता है कि वहां कौन कौन सी रोड जाती है या कौन कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन से पहुंचा जा सकता है, तो आप अपना जर्नी बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको तैयारी किस चीज़ की करनी है। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें एमपीपीएससी के लिए ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, एमपीपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न क्या है। इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं वो हैं, पहला सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करें। यहाँ पे पहली गलती लोग करते हैं, हिस्ट्री उठाया पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी उठाया पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली, इकोनॉमी उठाया पूरी इकोनॉमी पढ़ ली, हम सिलेबस को देखते तक नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। पहली चीज, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है जीके या जीएस में। क्लियर, हमें क्या कंप्लीट करना है, सिलेबस, ना कि जीके या जीएस, ठीक है। हम यहाँ पे जनरल नॉलेज क्विज नहीं खेल रहे हैं। एमपीपीएससी जो भी पूछेगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछेगा, ठीक है। आपको सिलेबस की तैयारी करनी, तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। डाउनलोड करें, रीड करें सिलेबस को। एक बार में ये नहीं होगा, आप एक से दो बार तीन बार, जब तक कि सिलेबस आपको आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में बैठ ना जाए तब तक आप सिलेबस को पढ़िए। एक बार आप जब सिलेबस को समझ लें, आपको नीट पता हो जाए, तो आप फिर क्या देखिए, पिछले सालों के पेपर उठा के देखिए। क्या देखिए, पिछले सालों के पेपर, प्री के भी और मेंस के भी। इससे आपको पता लगेगा कि प्री और मेंस दोनों में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके की सिमिलरिटी है, किस तरीके से ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड हैं। लोग क्या करते हैं, प्री को बिल्कुल डिफरेंट देखते हैं, मेंस को बिल्कुल डिफरेंट देखते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या देखना है, आपको मेंस और प्री को साथ में मिला के देखना है, ठीक है। अब क्या करना है, जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे तो आप इजीली ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इनमें कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो मेंस में भी पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि हम एक ही बार में मेंस और प्री दोनों के लिए कैसे हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, आपने सिलेबस पढ़ लिया, पिछले सालों के पेपर देख लिए, कॉमन सब्जेक्ट को सॉर्ट आउट कर लिया, अब अपना स्टडी प्लान करिए। अब अपना स्टडी प्लान तैयार कीजिए, किस आधार पे, इंटीग्रेटेड अप्रोच के आधार पे। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है क्या, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि हमें मेंस और प्री के लिए साथ में तैयारी करनी है। हाँ दोस्तों, गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं जब तक प्री निकलेगा हम मेंस नहीं पढ़ेंगे, या जब मेंस पढ़ रहे हैं तो प्री को भूल जाते हैं, बोले प्री के लिए कब पढ़ेंगे, जब बोले नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब प्री पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, आप मेंस और प्री दोनों के लिए साथ साथ पढ़ें। इससे क्या होगा, दोनों की तैयारी होगी, और साथ में जब आप इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली प्री के लिए आप तैयार भी करते हैं तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। कुछ लोग हैं जो लोग डायरेक्टली प्री को पढ़ के सीधे फैक्चुअल्स को याद करके एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, बट दे आर टू लिमिटेड, और उसके बाद फिर जब वो मेंस की तैयारी करने जाते हैं तो वहां क्रैश हो जाते हैं। तो ऐसा प्री निकाल के भी कोई फायदा नहीं है कि हम मेंस ना निकाल पाए, ठीक है। हमें अपनी बैलेंस करना है प्री और मेंस दोनों को, इसलिए दोनों को साथ में तैयार करना है।
मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे आप जब दोनों को साथ में बैलेंस करके तैयार करते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं और ये कैसे आपको आपकी प्रिपरेशन पे हेल्प करता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जब भी हम प्रिपरेशन तैयार करें, जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करें, या आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कल से पढ़ाई करने वाले हैं या पहले से करते आ रहे हैं, तो आप किस चीज के लिए पढ़िए, मेंस के लिए पढ़िए। ठीक है, कब, अगर नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है तो प्रिपेयर फॉर द मेंस फर्स्ट। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं कि आप एथिक्स उठा के बैठ जाएं, हिंदी उठा के बैठ जाएं, बोले सर मेंस तैयार करना, नहीं, ये गलत स्ट्रेटेजी होगी। उसमें क्या होगा, उसमें वो होगा कि आप उन सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे जिन सब्जेक्ट्स का प्री में कोई रोल नहीं है, और जब वो मेंस में उन सब्जेक्ट्स की बारी आएगी तो आप मेंस में दोबारा उसे तैयार करेंगे, तो रिपीटेशन ऑफ द एफर्ट होगा। नहीं, वो नहीं करना हमें, स्टार्टिंग में हमें किससे करना, कॉमन सब्जेक्ट से। बहुत बड़ा सिलेबस है, आप एथिक्स को छोड़ दीजिए, आप हिंदी को छोड़ दीजिए, आप ऐसे को छोड़ दीजिए, नियर अबाउट सारा सिलेबस फिर कैसा है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो आप उनको तैयार करिए, जब आप मेंस तैयार करेंगे तो प्री ऑटोमेटिक तैयार होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे आप, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, किसके लिए, ओनली फॉर मेंस ओनली, प्री के लिए कोई नोट्स नहीं होते हैं दोस्तों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि न्यूज़पेपर से प्री के लिए नोट्स बनाना, कहीं कोई मैगजीन में कुछ फैक्ट्स आए तो उनको नोट डाउन करना, ये सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, वेस्टेज ऑफ द एफर्ट होता है। ठीक है, आप दीवार को धक्का मार रहे हैं जो गिरने वाली नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे होगी, हमें नोट्स बनाने हैं सिर्फ मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं। अभी नोट्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि आप जब कॉमन सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो उसके बाद में आपको प्री भी देना है, फिर मेंस उसके 4 महीने बाद होगा, तब तक आप जो पहले पढ़ा हुआ उसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शंस भूल चुके होंगे, तो उसके रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होंगे तो मेंस की तैयारी करते समय आप जिन सब्जेक्ट्स को पहले कॉमन इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयार नहीं किए हैं उन्हें ज्यादा टाइम दे पाएंगे, और जिनको आप पहले से तैयार कर रखे हैं उनको सिर्फ आप रिवीजन करके मेंस के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, अगली चीज, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ अगर आप पढ़ाई करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, तो उसका रिजल्ट मान लो कि आपकी सिर्फ 50% तैयारी हो रही है। कितनी परसेंट तैयारी हो रही है, ओनली 50%। ठीक है, बाकी रिमेनिंग 50% जो तैयारी है वो आपकी होगी आंसर राइटिंग से। ठीक है, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, आंसर राइटिंग में फ्लुएंसी नहीं आएगी, आंसर राइटिंग में एक्यूरेसी नहीं आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, आपको चीजें वन गो में याद नहीं होंगी। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ में आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आंसर राइटिंग तो स्टार्ट कर दिया, बट हमें ये नहीं भूलना है कि हमें प्री के लिए भी साथ में पढ़ना है। इसके लिए हमें क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जनरली होता क्या है, आप आंसर राइटिंग करते हो मेंस के लिए पढ़ते हो, आंसर राइटिंग करते हो मेंस के लिए पढ़ते हो, पर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हो। तो मेरा ये सजेशन है कि आप एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व करें। अभी एमसीक्यू आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाएंगे, पिछले सालों के पेपर से मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव की मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह जगह से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब कैसे, हाउ प्रिपेयरिंग मेंस बिफोर प्री हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले मेंस तैयार करें बाद में प्री तैयार करें, तो इस ये आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कैसे करने वाला है। सबसे पहली चीज, जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी तैयार करने में हेल्प मिलेगी, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप उसके प्रोविजंस को समझते जाएंगे, डे टू डे बेसिस में न्यूज़पेपर से आप उसे कनेक्ट करते जाएंगे, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, जिससे कि क्या होगा, प्री के जो फैक्ट्स हैं उनको रिमेम्बर करने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि एमपीपीएससी का प्री फैक्ट बेस हो, और ये चीज क्लियर करने के लिए आपको पिछले सालों के पेपर देखने से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप मेंस के लिए तैयार करेंगे तो आपको जो बेस मिलेगा, जो एक ट्री मिलेगा, उसमें आप माइंड मैप या अटैच करके फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। जो माइंड मैप होता है उसका जो मेन स्टेम है ये आपको मेंस क्रिएट करके देता है, फिर उसकी जो ब्रांचेस हैं और उसमें जो आपको पत्ती और फल वगैरह लगाने हैं फैक्ट्स के रूप में, वो आप इजीली इस पे अटैच कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस चाहिए हमें, एक स्टेम चाहिए जिस पे हम हमारे फैक्ट्स को इजीली स्टोर कर सके, रिमेंबर कर सके। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले मेंस की तैयारी करनी होगी। डायरेक्ट प्री की तैयारी करने में ये चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, हमें क्या नहीं हो पाता है, हमें फैक्ट याद नहीं हो पाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको प्री में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रोकता है। उसे रोकने के लिए आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी करना, वो भी किन सब्जेक्ट्स की, कॉमन सब्जेक्ट्स की। ठीक है,
और क्या फायदा होगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। जब आप प्री के, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो जैसे लोग घबराते हैं, आप घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे? क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ द पोर्सन, नियर अबाउट 70% पोर्सन आपका तैयार है, ठीक है। आपको जो करना है सिर्फ 30% के लिए करना है, क्लियर। एक बार आप ये कॉमन सब्जेक्ट खत्म कर देंगे तो आपका बर्डन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, प्री एंड मेंस दोनों का। आई रिपीट, सिग्निफिकेंटली बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। जब बर्डन रिड्यूस होता है, आप जब सिलेबस को उठा के देखते हैं और आप ये देखते हैं कि हमारा 70% सिलेबस तो कवर हो गया है, तो ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इस अप्रोच से कवर किए जा सकते हैं या कवर हो जाएंगे। पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आप सिलेबस उठाइए, तैयारी कीजिए, पूरा क्रोनोलॉजी के साथ पढ़िए। प्री के समय सिर्फ आपको डेट्स और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको उसमें अटैच करने हैं, वो आप इजीली अटैच कर पाएंगे। अगला ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया दोनों की ज्योग्राफी आप तैयार कर लें, फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों तरीके की, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप पूरे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, आप थ्योरीज पता लग जाएगी आपको, आपको वर्ल्ड के नियर अबाउट मैप याद हो जाएंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, इंडिया के मैप याद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो याद करने में बहुत आसानी होगी। पॉलिटी में भी ऐसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के आपको आर्टिकल्स के साथ साथ उनके प्रोविजंस पता लगेंगे, कौन से केसेस में क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, ठीक है, कौन से आर्टिकल किस तरह से कनेक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे कनेक्टेड हैं, अलग अलग जगह में दिए हुए हैं लेकिन कनेक्टेड कैसे हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको क्रोनोलॉजी के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। रिट पिटीशन, ठीक है, और रेमेडी का आर्टिकल, कौन से आर्टिकल को सोल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, प्रीएम्बल में क्या दिया, ये सारी चीज़ें आपको मेंस की तैयारी करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इससे आपको प्री में जो क्वेश्चन हैं उनके गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने याद कर लिया कि आर्टिकल 5 में क्या है या आर्टिकल 12 में क्या है या आर्टिकल 14 में क्या है प्री के लिए, बट उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, अगर आपने सिर्फ प्री के लिए उसको याद किया हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन द आर्टिकल 14, तो आपको सिर्फ उतना ही पता है। लेकिन जब आप मेंस के लिए तैयार करेंगे तो राइट टू इक्वालिटी का फिर वो रूल ऑफ लॉ पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पूछ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तो इन क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमी, आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, आरबीआई कैसे काम करता है, इंश्योरेंस सेक्टर कैसे काम कर सकता है, सेबी का काम क्या है, सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन सी कमेटी बनी, पॉवर्टी रेडिकेशन क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और जब इकोनॉमी को आप पढ़ लेते हैं तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कोई नई स्कीम आती है या आरबीआई कुछ चेंजेस करता है तो वो सारी चीज़ें आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, ठीक है। साइंस, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप ये सब चीज़ें जब मेंस प्री के मेंस के लिए पढ़ते हैं, आप साइंस एंड टेक जब मेंस के लिए पढ़ते हैं तो प्री के लिए जब आप दोबारा इनमें से कुछ फैक्ट्स याद करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें जो आप लूसेंट से पढ़ते हैं वो इजीली आपको रिमेंबर हो जाती है और प्री में फायदा देती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने बता तो दिया कि ये सब पढ़ लो, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ों की बात आप कर नहीं रहे हैं, तो दोस्तों घबराइए नहीं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस जो टोटली फोकस होगा कि सोर्स लिस्ट क्या होनी चाहिए, जिसमें मैं जो रिसेंटली नया सिलेबस आया 2020 का उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से टॉपिक आपको किस किस किताबों से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और किस चीज़ के लिए आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं सारी बातें करने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगला सब्जेक्ट है एमपी। अगला सब्जेक्ट क्या है, एमपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस के लिए तैयार करते हैं तो पूरा एमपी आपका तैयार नहीं होता है, बट मोर देन हाफ, नियर अबाउट 70-80% मध्य प्रदेश आपका तैयार हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो इसमें एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा है। नियर अबाउट 25-30 क्वेश्चंस प्री में एमपी बेस्ड होते हैं, एमपी की पॉलिटी, एमपी का कल्चर, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, टूरिज्म, इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमको मेंस के लिए प्रिपेयर करना, मेंस में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, टूरिज्म। अब इसके अलावा बच क्या जाता है, इसके अलावा बच जाते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन पहले हमारे गवर्नर थे, पहले स्पीकर कौन थे, वगैरह वगैरह, ये हम प्री के समय इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी करते हैं एमपी की, तो हम मोर देन हाफ एमपी को हम पहले ही कवर कर चुके होते हैं। एनवायरमेंट ऐसे ही, एनवायरमेंट को हम मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पहले तैयार कर लें, ठीक है। इसमें से जो कुछ छूट जाएगा वो जब हम प्री की तैयारी करेंगे, मैं किताबें बताऊंगा कि कौन सी किताब से आप पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो प्री की तैयारी करते समय या मेंस की तैयारी करते समय अनटच्ड रह जाते हैं प्री के लिए, क्लियर।
मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर तैयारी करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट्स के रूप में ये तैयार नहीं हो पाते, इनको स्पेसिफिकली प्री के लिए तैयार करना होता है। पहला कंप्यूटर, 2020 के नए सिलेबस में एक यूनिट डाली गई है कंप्यूटर के ऊपर, उसको तैयार आप अगर पहले करेंगे तो आपका प्री भी काफी कुछ तैयार हो जाएगा, बट प्री के लिए जो कंप्यूटर है वो बहुत स्पेसिफिक पढ़ना होता है, इसीलिए मैंने इसे अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के प्री में पूछे जाते हैं, आप पिछले सालों का पेपर उठा के देख सकते हैं। इसके लिए आपको पिछले सालों के पेपर को देखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर को एक्स्ट्रा इन्फेसिस देके या आपको इन्फेसाइज करके कंप्यूटर को पढ़ना है। क्लियर, मतलब कि कंप्यूटर को आपको अलग से तैयारी के लिए वेटेज देना पड़ेगा क्योंकि इसका वेटेज प्री में बहुत ज्यादा है। ठीक है, परीक्षा मंथन की एक किताब आती है कंप्यूटर की, हिंदी मीडियम में आती है, हिंदी लैंग्वेज में, बट उसमें इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, इसीलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी उसे प्रिफर करना चाहिए, उससे आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा और आप कंप्यूटर के 8-10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को छोड़ के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि कई बार एमपीपीएससी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इस बार वेब क्रॉलर पूछा, ये चीजें हमको जनरली पढ़ने में नहीं आती है और इसके लिए हमको परेशान होने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस एक क्वेश्चन से हमारा प्री नहीं रुकने वाला है, हमको 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, हम कर लेंगे, बाकी जो 20% है या 10% है उसको हम छोड़ देते हैं कि ये हमें नहीं बनेगा और हमें करना भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात आती है मिसलेनियस, जो कि हमारा मेंस की तैयारी करते समय पूरा की पूरा छूट जाता है। ठीक है, इसमें आता है स्पोर्ट्स, फर्स्ट मैन एंड वुमेन, इंस्टीट्यूट अवार्ड्स, मिलिट्री पुलिस वगैरह वगैरह। ये लूसेंट के पीछे मिसलेनियस में जितना दिया हुआ है सिर्फ आप उतना तैयार कर लीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे, वो आपको बन जाएंगे। जनरली लोग करते क्या है, मिसलेनियस के नाम से पता नहीं कौन कौन सी मैगजीन, कौन कौन सी कोचिंग के इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह उठा के पढ़ते रहते हैं। इन चीजों को हमें नहीं करना है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं और अपने दिमाग में गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं करना गार्बेज इकट्ठा। लूसेंट के पीछे जितना दिया हुआ उतना पढ़ लिया, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो ठीक, हम 80% मार्क्स लाने ना हम ला लें। ओके, अगली बात, अब नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, प्रीलिम्स की डेट भी अनाउंस हो गई है और आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए टोटली प्रिपेयर हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच से मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स को तैयार करने के बाद। तो अब आपको करना क्या है, पहला मेंस के लिए पढ़ना हमें बंद कर देना है, हमको टोटली शिफ्ट हो जाना है प्री के लिए। प्री के लिए शिफ्ट होने का मतलब क्या है, हमें टोटली फैक्ट बेस हो जाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, फैक्ट्स याद करना चालू करने हैं, मतलब कि हमें हमारा जो बेस हमने मेंस पढ़ के तैयार किया उसमें फैक्ट्स अटैच करना शुरू करना है। ये फैक्ट्स हमें मिलेंगे कहाँ, लूसेंट्स में मिलेंगे, स्पीडी में मिलेंगे, परीक्षा मंथन में मिलेंगे। ठीक है, यहां से हम फैक्ट्स को पढ़ेंगे और हमारे बेस में अटैच करेंगे। एमपी के लिए फैक्चुअल वन लाइन किताबें पुणेकर की भी आती है, महावीर की भी आती है, इन किताबों से हम फैक्ट कलेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और ये फैक्ट कैसे कलेक्ट करेंगे, किस आधार पे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वहां से उस तरीके के फैक्ट्स को याद करना चालू करेंगे। ठीक है, जो हमने मेंस के लिए अभी तक सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनको अब फैक्चुअली पढ़ना है और हमको बेस में अटैच करते चलना है। ठीक है, और क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स अभी तक छूट गए थे उन्हें पढ़ना, जैसे कंप्यूटर, मिसलेनियस वगैरह। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और जो करनी है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप इसे कह सकते हो, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, इसे अपने दिमाग में बैठा लें कि हमें टेस्ट पेपर सॉल्व करना है डेली। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपने कितना भी पढ़ रखा है, कोई सी भी अप्रोच से तैयारी कर रखी है, कुछ भी स्ट्रेटेजी बना के तैयारी की है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलने वाले। क्लियर, तो क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। क्या करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, वो भी कैसे, डेली। जनरली लोग क्या करते हैं, हम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे किसी कोचिंग की और हम जंग जीत जाएंगे। सबसे बड़ी गलत फहमी है, आप एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहली प्रयास में या पहली बार आप प्रयास कर रहे हैं, आपका पहला प्रयास है, तो आप एक किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ये आपको ऑर्गेनाइज्ड होने में मदद करेगा। कायम मदद करेगा, ऑर्गेनाइज्ड होने में मदद करेगा कि कैसे एग्जाम में बैठा जाता है, कैसे हमको OMR भरी जाती है, कैसे एग्जाम प्रेशर हैंडल किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप अगर एक दो बार पहले प्री दे चुके हैं और आप इस चीज़ से फैमिलियर हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर वगैरह, तो यहाँ पे इजीली टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं, आप उन्हें कलेक्ट करिए। रोज सुबह या शाम को अपना एक टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, खुद का सेल्फ इवेल्युएशन करिए। सेल्फ इवेल्युएशन करने के बाद
देखिए कि हमारे वीक एरियाज कौन से हैं, हम कहाँ पे वीक हैं, हमसे कैसी मिस्टेक्स हो रही है, फैक्चुअल मिस्टेक हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, और जो मिस्टेक्स हो रही है या जिन सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग कम आ रही है उनको ज़्यादा फोकस करिए। इससे क्या होगा, आप रेगुलर सेल्फ इवेल्युएशन करते करते अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए भी हैं तो साथ साथ में एक दो इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स को और सॉल्व करते रहिएगा। इससे फायदा ये होगा कि इसको इससे आपको नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ द टीचर्स के द्वारा सेट किए हुए पेपर सॉल्व करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी, बहुत अच्छे लेवल में चली जाएगी। क्लियर। अब हमने ये सारी बातें कर ली जिसमें एक चीज छूटी हुई थी अभी तक, करेंट अफेयर्स, जिसके ऊपर मैंने अभी तक कोई बात नहीं करी है। अब मैं करेंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहूंगा। आपको साल भर करंट अफेयर्स के पीछे माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ उतना करिए। अगर आपको मैगजीन्स पढ़ने का शौक है तो भी आप महीने में किसी एक पब्लिकेशन की एक मैगजीन ही पढ़िए। सबसे पहली बात अपने माइंड में क्लियर करिए कि आप यूपीएससी के लिए नहीं एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां का पेपर 60-70% करंट अफेयर बेस्ड होता है, बट जब अगर आप एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं तो यहाँ का पेपर ओनली 10% करंट अफेयर बेस होता है। क्लियर। एमपीपीएससी में स्टैटिक जीके या कॉमन सब्जेक्ट्स या बेसिक सब्जेक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो भी थोरोली पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की वैल्यू सिर्फ हमारे लिए कितनी है, वो 8 क्वेश्चंस प्री की है और मेंस में जिन जिन पोर्शंस पे हम करंट अफेयर्स को अटैच कर सकते हैं वहाँ उसकी है। ठीक है, तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस समय आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि ये इस पोर्शन में या यहाँ पे लिखने में काम आएगा या कोई नई स्कीम आती है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली गूगल सर्च करके कंटेंट निकाल के आप अपने नोट्स बना लें, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, प्री के लिए क्या करना है, आप पेपर सॉल्व करते रहिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, साल भर करंट अफेयर्स की एक कोई मैगजीन अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, और जब नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो कोई एक एनुअल एडिशन, करंट अफेयर मैगजीन का एनुअल एडिशन साल भर का जिसमें करंट अफेयर कंपाइल्ड हो, उस कंपाइलेशन को आप खरीद लीजिए। ठीक है, उसे 2-3 बार पढ़िए, आपका करंट अफेयर मोर देन इनफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, जनरली क्या करते हैं लोग, साल भर करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और उस नोट्स को एग्जाम टाइम में रिवाइज करते हैं। देखिए, आपने नोट्स बनाया है, आपने अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से बनाया है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से या एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से कोई लेना देना नहीं, बट जो मैगजीन्स करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस देते हैं एनुअल का, वो पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, वो उसमें एक्सपर्ट हैं, वो आपको वो सारी चीज़ देंगे जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी या एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इंस्टीट कि आप अपना टाइम खराब करें, करंट अफेयर के नोट्स बनाएं, मेहनत भी करें और फिर कुछ चीज़ें छोड़ दें, इससे अच्छा है कि हम करंट अफेयर का एनुअल कंपाइलेशन खरीद लें जिसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, वो स्पोर्ट्स भी कवर करेंगे, वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी कवर करेंगे, वो फॉरेन ट्रिप्स भी कवर करेंगे लीडर्स की, वगैरह वगैरह। और जब आप ऐसी मैगजीन्स लाते हैं तो इनके पीछे 200-300 एमसीक्यूज भी होते हैं करंट अफेयर के, आप उन्हें सॉल्व कर लें, आपका करंट अफेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 50-60 दिन भी एमपीपीएससी प्री की प्रिपरेशन को देते हैं और इन 50-60 दिन में आप रोज एक पेपर भी सॉल्व करते हैं तो हर एक पेपर में आपको 6-7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, कई में 8-9 भी मिलेंगे, कई में 10 भी मिलेंगे। ऐसे ऑन एन एवरेज आप अगर 50 पेपर सॉल्व करते हैं, कितने पेपर सॉल्व करते हैं 50 पेपर, और आपको इस पे कितने क्वेश्चंस मिलते हैं डेली, 6 क्वेश्चंस भी मिलते हैं, मैं उनको भी हटा देता हूँ जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो भी आप 300 क्वेश्चंस को करंट अफेयर के प्री के पहले सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, इन 300 में से एग्जाम में पूछा कितना जाना है, ओनली 7-8 क्वेश्चंस। ठीक है, कई बार पूछा तो 9 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप ये पूरी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़े हैं, आप इतने सारे टेस्ट पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि 8-9 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनमें से कम 4-5 या 6 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तो आपका प्री नो डाउट निकल जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लोग जनरली क्या करते हैं, रोज यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, ये सब नहीं करना है। हाँ, अगर आपने कोई प्लान सब्सक्राइब कर रखा है, आप उसमें करंट अफेयर्स पढ़ाया जाए, आप उसको जरूर देखें,
क्योंकि वहां पे आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके लिए आवश्यक है। बट अगर आप अदर कोई करंट अफेयर्स की वीडियोस ऐसे ही देख रहे हैं तो आप बहुत सारा फालतू का मटेरियल आप अपने माइंड में स्टोर करेंगे जो कि आपके लिए किसी काम का नहीं। क्लियर। अब मैंने पहले भी कहा था क्या करना है, इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपको क्या नहीं करना है ये नहीं पता होगा तो आप वो सब करेंगे जो आपको नहीं करना है, और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। सबसे पहले अननेसेसरी फैक्ट्स को याद करना बंद करिए। जैसा मैंने पहले बताया, लोग मिसलेनियस के लिए बहुत सारी जगहों से चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उन्हें याद करते हैं, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जो अभी बुक लिस्ट का वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ मैं 6 से 7 किताबें आपको प्री के लिए बताऊंगा। उसके अलावा आपको एक भी अदर क्लास मटेरियल को या एक भी दूसरी किताब को हाथ नहीं लगाना है, किसी कोचिंग के नोट्स को हाथ नहीं लगाना है, प्री के लिए नोट्स नहीं बनाना है। जो मैगजीन्स में कंपोडियम या इम्पॉर्टेंट जीके या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन आता है उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, उन सब चीज़ों को हम कवर नहीं कर सकते। एक बात याद रखिए कि आप 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, आप 100% फैक्ट्स याद नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को लिमिटेड रख लिए, अपने सोर्स तक, अपने स्टडी प्लान तक और अपने टेस्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग अपने एवेल्युएशन तक। ठीक है, दूसरा नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। ये तो हर जगह चीज़ों को हर हमेशा आपको ऐसा करना चाहिए कि नेगेटिव पीपल को अपने आसपास ग्रुप ना बनाने दें जो ये कहते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते, इस तरह के लोगों से दूर रहें। ठीक है, अपने सोर्स लिस्ट को बल्कि ना करें। जो सोर्स लिस्ट हमने एक बार डिसाइड कर लिया है जो मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, उसके अलावा आपको बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी तरीके की किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप एग्जाम क्रैक कर लीजिए उसके बाद आपको जो मन करे वो किताबें पढ़िए, बट जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक प्लीज उसी सोर्स लिस्ट तक आप स्टिक रहिए। ये आपको बहुत फायदा देगा, बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसको आप फील करेंगे जब आप एग्जाम में अपने आप को अपियर करेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तब इस बात को आप फील करेंगे। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको ये नहीं बन रहा, ये यहाँ नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो किताब अच्छी है वगैरह वगैरह, इनसे दूर रहिए। ठीक है, ये याद रखिए कि कम ही सबसे ज्यादा होता है, जितना सोर्स लिस्ट कम होगी उसको बार बार आप रिवाइज कर पाएंगे और आप उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें अननेसेसरी डिस्कशन में, ऑनलाइन क्विजेस में, ट्रिकी जीके में वगैरह वगैरह में। ठीक है, अननेसेसरी डिस्कशन का मतलब क्या है, आपने टेस्ट दिया उसमें कोई क्वेश्चन आया उसका आंसर की में गलत रहता है। ठीक है, आपने गूगल से सर्च किया आपको उसका सही आंसर मिल गया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कंट्रोवर्शियल हो, दो आंसर सही हो। ठीक है, कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं वो पहले से रहती आई हैं। ठीक है, अब आप कहाँ एग्जाम हॉल से निकलने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े होकर ज्ञानचंद बने फिर के उन्हें आप क्या करेंगे, डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानचंद बनने की आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है आप उसे गूगल करिए, आपको अपना सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया, गो टू योर रूम या लाइब्रेरी, आप जहाँ पढ़ाई करते हैं अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए, अपनी आपकी वीकनेसेस को ढूंढिए उसे कवर कीजिए। ऑनलाइन क्विजेस के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी आपको नया क्वेश्चन या बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस होते हैं जो चल रहे होते हैं, इसलिए आप इनसे दूर रहिए। हाँ, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है या आपने ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो अलग मैटर है। जैसे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप इससे पढ़ रहे हैं और लाइव क्विजेस को आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एजुकेटर्स जो हैं वो हमने क्या पढ़ाया है एग्जाम की कैंडिडेट इसके अकॉर्डिंगली आपकी क्विज डिजाइन करते हैं। बट आप क्विक बेज या बहुत सी ऐसी जो जनरल जी के इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी ऑनलाइन क्विजेस हैं जिसमें आप 90% स्कोर करेंगे, 99% स्कोर करेंगे, बट वो आपकी रियल प्रिपरेशन को दर्ज नहीं करेगा। इससे बेटर है कि आप क्या करें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें। ठीक है, जिससे आपको रियल इवेल्युएशन मिलेगा। कुछ टेस्ट पेपर टफ होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, आपको दोनों तरीके की तैयारी होगी, आप सब तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिकी जी के कि हम आपको ऐसे याद करवा देंगे, सा सा काका बाबा नाका, ठीक है, पापा ने गया ये लाया, ठीक है, आम की गुठली, बेर की ये वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कब तक काम की हैं, जब तक आप बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल फेज में, 8-10 दिन बहुत अच्छी लगेगी, आप बहुत अच्छे से चीज़ें याद कर पाएंगे, आगे चल के ये आपके माइंड में ऐसा ट्रिक का जाल बना देगी कि उस जाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको वो ट्रिक्स को याद करने के लिए अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो ट्रिक्स आपको याद होंगी। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिक्स से याद होती हैं, वो लेकिन कैसी होनी चाहिए, आपके खुद के द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। आप सिर्फ उन चीज़ों को ट्रिक से याद करिए जो आपको याद ही नहीं हो रही है, जनरली आपको सीधे आपका माइंड उनको रिमेम्बर नहीं कर पा रहा है या याद नहीं रख पा रहा, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बट आप चाहें कि हम पूरा की पूरा जीएस को ट्रिकी जीके के थ्रू पढ़ लें, ठीक है, यूट्यूब में बहुत से लोग ऐसा पढ़ाते हैं, उनसे दूर रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है आपको इस चीज़ की। ठीक है, अगला
और क्या करना है हमें, हमारी परफॉर्मेंस को हमेशा टेस्ट के बेस में एवेल्युएट करना है, किसी के कहने पे नहीं करना है कि अरे तूने तो ये किताब नहीं पढ़ी, तेरा तो ये होगा ही नहीं। नहीं, हमने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, हमको टेस्ट पेपर बता रहा है कि हमको क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। अरे बोले पॉलिटी में तूने अभी तक एम लक्ष्मीकांत खत्म नहीं करी, बोले लूसेंट से क्या होगा, प्री के पहले एम लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाओ। नहीं, हमें क्या करना है, जब हम कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तब हम एक बार एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर चुके हैं, अब प्री के पहले उसे उठाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमेशा अपने वीक एरियाज पे फोकस करें। ठीक है, हर किसी व्यक्ति का एक वीक एरिया होता है, किसी को इकोनॉमी समझ में नहीं आती है, किसी को हिस्ट्री नहीं आती है, किसी को साइंस याद नहीं होती है। इस वीक एरिया में आप क्या करें, अगर आप पूरा टाइम इसको स्ट्रांग करने में लगा देंगे तो आप अपने स्ट्रांग एरिया में भी फेल हो जाएंगे। नहीं, हमें हमारे स्ट्रांग एरिया को स्ट्रांग ही रखना है। वीक एरिया में हमें यह कोशिश करनी है कि मोर देन 60% हम स्कोर कर जाएं या 50% स्कोर कर जाएं, हमारा काम हो जाएगा। अगर आपको टेस्ट में साइंस के पेपर में, अगर टेस्ट पेपर में साइंस के 10 क्वेश्चन आ रहा है, आपको 8 बन रहे हैं और आपका साइंस वीक है, तो ये आप वीक नहीं बचा है, आपने अपने वीक एरिया को फोकस कर लिया है। बट साइंस के 10 क्वेश्चनों में आपको एक या दो ही बन रहे हैं तो चिंता का विषय है, उसमें थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसको कितना पढ़ना है, ये आप डिसाइड करेंगे कि उस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। और ये वेटेज आप कहाँ से निकालेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से निकालेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन प्री, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है, किसको किसको कितना टाइम देना चाहिए। उसमें हम टोटली बात करेंगे कि हम प्री में 160 प्लस कैसे स्कोर करें। ठीक है, अभी के लिए हम ये बात कर रहे हैं, अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमको प्री के लिए क्या करना है। ठीक है, और एक चीज जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम का, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, रिवीजन ही सब कुछ है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, टेस्ट के बेसिस पे आप उन सब्जेक्ट्स के रिवीजन में ज्यादा जोर डालिए जिसमें आपके स्कोर कम आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स को इजीली आप रिवाइज करते रहिए या रूटीनली आप रिवाइज करते रहिए, जैसे कंप्यूटर हुआ गया, मिसलेनियस हो गया, इनको कम से कम 2-3 बार, करंट अफेयर है 2-3 बार ये कंप्लीट हो जाए, इस अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी प्लान कीजिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना बंद कर दो, घबराना नहीं है, एक दिन पढ़ के आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि कल आपका हिस्ट्री का पेपर है कि ज्योग्राफी का है, आपको नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए कि आपने इतनी तैयारी कर चुकी है कि जहां से जो भी आएगा 70-80% में बहुत अच्छे से स्कोर कर लूंगा। बिंदास होके सोइए, सब रख दीजिए एक तरफ और एग्जाम देने चली जाइए। अब आपका जो एक सेक्शन बच जाता है वो बच जाता है एग्जाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस। हमारे स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे देशमुख सर, वो हमेशा कहते थे कि सावधानी ही परीक्षा है। मतलब कि एग्जाम हॉल में जो व्यक्ति सावधान रहता है, अलर्ट रहता है, वो एग्जाम को क्रैक कर लेगा। उसे अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन सफिशियंट हो गई है, मैंने सफिशियंट प्रिपरेशन किया हूँ। और एग्जाम हॉल में रहते हुए उसका माइंड सिर्फ एग्जाम पेपर में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में होना चाहिए, वो सारी सावधानी बरतते हुए आपको एग्जाम में अपना पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में क्या करते हैं ये अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने बाहर क्या किया, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने जो छोड़ दिया, आप कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है उसमें जो क्वेश्चन हो उसमें हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल एग्जाम हॉल। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे से तो एक गोला गलत भर दिया मैंने, मेरे दो गोले गलत भरा गए, ठीक है OMR भरने में गलती हो गई। यार आप एग्जाम हॉल में आपके पास सिर्फ दो काम है, एक कि 100 क्वेश्चन हैं उनके आपके पास 4-4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक को चूज करना है और सही ऑप्शन को OMR में गोला के थ्रू या ब्लैक पेन के थ्रू गोला को भर के या जो राउंड है उसको काला करके अपने आंसर को टिक करना है। अगर आप ये काम भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है, इसमें टोटली आपकी गलती है, टोटली आपकी केयरलेसनेस है जो कि आपको खुद को भुगतनी है। ठीक है, तो OMR भरते समय बहुत केयरफुल रहें। मैं यहाँ ही थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि OMR कैसे भरी जाए। लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर में टिक कर लेते हैं फिर आखिरी के 20 मिनट में OMR भरते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस 80-90% होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को टिक करते जाते हैं, अगर आपने एक बार पूरा पेपर पढ़ा, आपने 50-60 क्वेश्चंस टिक कर लिए जो आप इसमें बिल्कुल 100% श्योर हैं, तो उस 100% श्योर वाले जो आपने क्वेश्चंस टिक किए हैं उन्हें पहले आप OMR में भर दें सावधानी के साथ। फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करते जाएं आप OMR में भरते जाएं, आखिरी समय के लिए बिल्कुल भी किसी चीज को ना छोड़ें। ठीक है, GS में पर्याप्त टाइम होता है, GS पेपर 1 में एग्जाम कंप्लीट होने के 5-10 मिनट पहले आपकी OMR कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, सी सेट में ऐसा है, ये तो कैसा है, सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है तो आप इसमें जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, सॉल्व करते जाए भरते जाएं। बट अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं,
अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसके भी कट ऑफ में मार्क्स जुड़ते हैं। तो आप ऐसा नहीं करिएगा, आप प्रॉपर तरीके से सी सेट को सॉल्व करते जाएं, ओएमआर में केयरफुली गोलों को भरते जाएं, ठीक है, आपका पेपर नियर अबाउट 2 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बहुत इजीली डेली 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और आपका सी सेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। जीएस आप तैयार कर ही रहे हैं, जीएस के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुकी हैं, सी सेट के लिए आपको डेली 1 से 2 घंटा देना है, बस आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, एप्टीट्यूड कमजोर है, तो आप इजीली कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इजीली ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और एक काम जो आपकी बाइबल है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो है न्यूज़पेपर, ठीक है। क्या है, न्यूज़पेपर, क्लियर, डेली आपको पढ़ना है। और एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि लूसेंट बहुत बेकार बुक है, इसका कोई काम नहीं है, इसे मत पढ़िए, इसे तो वो लोग पढ़ते हैं जो व्यापम वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनकी बिल्कुल मत सुनिएगा। बट आप बिल्कुल पहले दिन से लूसेंट लेके मत बैठ जाइएगा। अगर आप पहले दिन से लूसेंट लेके बैठेंगे तो वो आपके लिए एक दानव के समान हो जाएगी, जिसे आप नहीं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको इतना डर बैठा देगी कि कुछ नहीं हो सकता आपका, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखे हुए हैं। इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी चालू करें, स्टडी प्लान करें, स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है। स्ट्रेटजी फीजेबल होनी चाहिए, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, अपने आप को फ्री रखें, मूवीज देखें, घूमें, वॉक में जाएं, ठीक है, सब कुछ करें। साथ साथ में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सोर्स लिस्ट आप एक बार डिसाइड करेंगे, मैं अगले वीडियो में ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपका कौन सी चीज़ों के लिए कौन कौन सा सोर्स है, उस सोर्स लिस्ट में आपने जिन जिन चीज़ों को आपने अपने लिए डिसाइड किया है, हो सकता है आप मेरी सोर्स लिस्ट से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करें, ठीक है, उसे आप मॉडिफाई कर लीजिए। एक बार आप अपनी सोर्स लिस्ट बना लीजिए, उस सोर्स लिस्ट को फॉलो करिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तो प्लीज़ इन सबको अलग रख दीजिए। मैं आपको बुक लिस्ट वाले वीडियो में या सोर्स मटेरियल वाले वीडियो में प्री के लिए कुछ 6 से 7 चीज़ें बताने वाला हूँ, उन 6 से 7 किताबों को आप डेडिकेट हो जाइए, 60 दिन उन्हें अपना बना लीजिए और अपने आप को उनका डेडिकेट कर दीजिए। आपको नो डाउट अमेजिंगली प्री में बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे और आप डेफिनेटली प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ना भूलें कि ST01 मेरा कोड है, अगर आप अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो आप इस कोड को यूज करके 10% सब्सक्रिप्शन में ऑफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।